हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर फिफ्थ चल रहा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर की एक वीडियो हो चुकी है। पहली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और इनके यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी को हम आगे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिकेटर्स, जिनको हिंदी में सूचक कहा जाता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू नो द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग देम। तो यानी कि किसी भी प्रकार के पदार्थ को हम टेस्ट कर उसका पता नहीं कर सकते कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। टेस्टिंग ए सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज़ नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल बिकॉज इट मे बी हार्मफुल। तो लेबोरेटरी वगैरह के अंदर बहुत से प्रकार के केमिकल होते हैं, तो उनको टेस्ट करके ये नहीं पता कर सकते कि वो एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। दस टू टेस्ट द केमिकल नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, ए स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर इज यूज्ड। तो किसी भी प्रकार का जो केमिकल है उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर का पता करने के लिए, यानी कि वो केमिकल एसिडिक एसिड है या बेस है, तो इसका पता करने के लिए जिस भी सब्सटेंस या पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम सूचक कहते हैं। तो यानी कि सूचक से हमें ये पता चलता है कि कोई जो केमिकल है, कोई जो केमिकल सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर टू शो द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एसिड में अलग तरह का कलर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अलग तरह का कलर देते हैं, यानी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका रंग बदल जाता है। तो इंडिकेटर्स जो हैं उनको हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सेकेंड जो रहेंगे वो रहेंगे आर्टिफिशियल या फिर लेबोरेटरी मेड इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक सूचक जिनको कहा जाता है। इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ऐसे सूचक या ऐसे इंडिकेटर जो कि प्राकृतिक वस्तुओं से या प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इंडिकेटर्स के, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है, चाइना रोज। सेकंड जो है वो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, या जिनको लैब मेड या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स भी कह देते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स या सूचक जो होते हैं इनको लैब के अंदर बनाया जाता है, तो इसीलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, ये प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फेनॉल थेलीन, मिथाइल ऑरेंज एट्सेट्रा। तो ये एग्जांपल है फेनॉल थेलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो हम इनके यूजेस देख लेते हैं कि किस प्रकार का अगर हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो वो कौन से सोल्यूशन में किस तरह का कलर देता है। तो फर्स्ट है लिटमस, ए नेचुरल इंडिकेटर। तो हमने अभी पढ़ा है कि लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से जो टर्मरिक है यानी कि जो हल्दी है या फिर चाइना रोज है, तो ये सब जो हमने पढ़े थे ये हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो इसमें फर्स्ट है लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। तो सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। लिटमस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। तो इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, लाइकेन से। अब ये लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ फंजाई एंड एल्गी लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जहाँ पर फंजाई और एल्गी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोनों एक साथ कम्बिनेशन में रहते हैं और ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो जीव एक साथ रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं, तो ऐसा जो संबंध होता है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जो एल्गी और फंजाई है ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमनली हम उसको कॉमन कह देते हैं कि वो लाइकेन है। तो जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स ऑफ टू कलर्स ब्लू एंड रेड। तो लिटमस जो है वो दो तरह से हमारे पास उपलब्ध है। एक तो ये विलयन यानी कि किसी तरह का जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, और दूसरा ये पेपर स्ट्रिप्स यानी कि कागज़ की पट्टियों के रूप में भी होता है। तो ये जो कागज़ की पट्टियां हैं या जो सॉल्यूशन है ये दो रंग में होता है, ब्लू और रेड, यानी कि नीले और लाल रंग में ये होते हैं। लिक्विड लिटमस एंड लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो चाहे सॉल्यूशन है चाहे पेपर है, तो दोनों का इस्तेमाल ही किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लिटमस गिव्स ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो जो लिटमस होता है ये क्या करता है कि डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड मतलब कि जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो ना ही तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एक तरह का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो लिटमस होता है, चाहे वो सॉल्यूशन हम लें या फिर पेपर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये पर्पल कलर देता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। और अगर हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे ही हम उसको डिप करेंगे उसके अंदर, डुबोएंगे उसके अंदर, तो डुबोने के बाद जब उसको बाहर निकालेंगे तो जो नीले रंग का लिटमस पेपर होगा वो रेड में बदल जाता है, यानी कि उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। वाइल रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड। और अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं यानी कि उसके अंदर डुबोते हैं उसको, तो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही रेड है, तो वो रेड ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लिटमस पेपर है नीले रंग का, अगर उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, यानी कि जो नीले रंग वाला है वो रेड कलर का हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन डिप्ड इन बेसिक सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अगर हम लाल लिटमस पेपर को यानी कि रेड लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो वाइल ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू। और अगर हम नीले रंग के यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ब्लू ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू से रेड में बदल जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड से ब्लू के अंदर। सेकेंड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक, जिसको हम हिंदी हल्दी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है। टर्मरिक इज़ आल्सो यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर। आपको पता ही है कि हल्दी का रंग जो है वो येलो होता है। इट टर्न्स इनटू रेड व्हेन डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हम इसको बेसिक यानी कि क्षारीय विलयन के अंदर अगर हम इसको डुबोते हैं तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। टर्मरिक डजंट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर जो है वो अनचेंज रहता है, यानी कि इसके कलर पे कोई प्रभाव नहीं होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट ए टर्मरिक स्टेन्स टर्न्स रेड व्हेन वॉश्ड विद ए डिटर्जेंट। इट इज़ बिकॉज डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर। तो आपने देखा होगा कि हल्दी के जो दाग होते हैं, जो हम घर पे सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार वो कपड़ों पे जब लग जाती है, गिर जाती है, तो उसका जो स्टेन है वो पीले रंग का रहता है। उसको जब डिटर्जेंट से धोया जाता है, यानी कि अपमार्जक जो घरों के अंदर डिटर्जेंट यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, तो उसके साथ उसकी जब रिएक्शन होती है तो वो जो धब्बा होता है, दाग जो होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में नेचर के अंदर बेसिक होता है, यानी कि उसके अंदर बेस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो टर्मरिक होती है वो रेड कलर की हो जाती है जब सॉल्यूशन कैसा हो, बेसिक। नेक्स्ट है चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स। तो ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है।
इसको प्राप्त किया जाता है चाइना रोज के फूलों की पत्तियों से। इन एन एसिडिक मीडियम इट एग्जिबिट डार्क पिंक मेजेंटा कलर, वाइल इन बेसिक मीडियम इट एग्जिबिट ग्रीन कलर। तो अगर किसी एसिडिक मीडियम के अंदर यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। यू कैन ईजली मेक चाइना रोज सॉल्यूशन। तो अभी ये जो चाइना रोज का सॉल्यूशन होता है जो इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड कीप दैम इन ए बीकर। तो जो चाइना रोज होता है उसकी फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको इकट्ठा कीजिए और एक बीकर में रख दीजिए। एड सम वार्म वाटर इन टू द बीकर। अब उसमें कुछ गर्म पानी डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम द वाटर बिकम्स कलर्ड। तो कुछ समय के बाद जो पानी का रंग है वो कलर्ड हो जाएगा, यानी कि वो रंगीन हो जाता है। नाउ यूज़ दिस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग प्रकार के पदार्थों का पता करने के लिए कि वो एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम दिए हुए हैं टेस्ट सॉल्यूशंस के, जिनमें अलग अलग तरह का जो एसिडिक है या बेसिक जो सॉल्यूशन है उसमें इनका चाइना रोज का जो कलर है वो कैसा हो जाता है। तो फर्स्ट है लेमन जूस, यानी कि जो नींबू का रस होता है उसके अंदर हम इसको अगर ऐड करते हैं चाइना रोज के सॉल्यूशन को तो वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा। विनेगर यानी कि सिरका जो होता है इसमें भी ये डार्क रेड का हो जाएगा। तो अब अगर डार्क रेड हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन किस तरह का है, कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ये दोनों जो होते हैं ये बेसिक नेचर के अंदर इनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इनके अंदर इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से ऑरेंज जूस यानी कि जो संतरे का जूस होता है उसमें डार्क रेड, क्योंकि उसमें एसिड होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। उसके बाद जो सेकंड टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज। तो सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो सूचक होते हैं, उनको लैब के अंदर बनाया जाता है। फिनोफ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो है फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस। फिनोफ्थेलिन जो होता है इसका जो कलर है वो कोई भी किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। इट रिमेंस कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब इसको एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं यानी कि उसमें डालते हैं तो इसके कलर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये कलरलेस ही रहता है। बट इम्पार्ट्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको किसी क्षारीय विलयन के अंदर यानी कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसको ऐड कर रहे हो, मिला रहे हो, तो उसका जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज हैज़ ओरिजिनली ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज होता है। इट टर्न्स इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और एंड येलो इन बेसिक मीडियम। और अगर हम किसी बेसिक मीडियम के अंदर यानी कि क्षारीय विलयन के अंदर इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आज की हमारी वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने किया है इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें हमने दो तरह के इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।